नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विषय की इस कक्षा में आज हम आरंभिक किसान एवं चरवाहे अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आदिमानवों ने कृषि को अपनाया और इसके साथ साथ अब वे जानवरों को भी पालने लगे थे। हमने पढ़ा आदिमानवों ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। आज हम आदिमानव के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम आदिमानव के स्थायी जीवन की ओर बढ़ते हुए उनके शुरुआती बसाए गए गांवों का अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी जुटाते हुए मेहरगढ़ तथा कोल्डी हवा नामक पुरास्थलों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, खेती तथा पशुपालन ने मानव को स्थायी जीवन की ओर अग्रसर किया। वह अब पहिए का आविष्कार कर चुका था। उसने अब जगह जगह घर बनाने शुरू कर दिए। उनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते थे। कुछ घर जमीन के अंदर भी बनाए गए थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। बुर्ज होम तथा गुप्त कराल, ये दो ऐसी जगह हैं जहां जमीन के अंदर घर होने के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों स्थान कश्मीर में स्थित हैं। बच्चों, उस समय के लोग एक जगह रहकर पौधे उगाते और उनकी देखभाल किया करते थे। इसे ही बसने की प्रक्रिया कहा गया है। यहाँ झोपड़ियाँ एक दूसरे के नज़दीक हुआ करती थी। पुरातत्वविदों को यहाँ घर के अंदर तथा बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली है। कई जगहों से जो औजार मिले हैं वे पुरापाषाण काल की तुलना में कई ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ पत्थरों तथा कुछ औजार हड्डियों के बने हैं। यहाँ पर ओखली तथा मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने के लिए होता था। यहाँ लोग जनजातियों के रूप में रहने लगे थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उनका प्रयोग करते थे और उन्हें सजाने का काम भी किया करते थे। यहाँ का रहन सहन भी बहुत अलग होने लगा था। काम लगभग सभी जगह बटा हुआ था। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ लोग हथियार बनाने का काम करते थे और कहीं कहीं पर कृषि तथा पशुपालन का काम भी होता था। बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है, पुरातत्वविद किसी भी जगह को पहले चिन्हित करते हैं, फिर वहां खनन का कार्य शुरू करते हैं और उन्हें जो भी सामग्री प्राप्त होती है वे उसका अध्ययन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह किस काल का था और साथ ही उस समय के जीवन शैली का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। इन पुरातत्वविदों को भारत के कई जगहों पर कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जो बिहार, झारखंड तथा दक्षिण भारत में पाए गए। बच्चों, अब बात करते हैं पुरास्थल मेहरगढ़ की। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ कई कब्रों से जानवरों की हड्डियाँ और सामानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ खेती के साथ साथ पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं। हड्डियों से बने औजार तथा सुई और अन्य मृदभांड के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ के घर ईंटों तथा मिट्टी से बने हुए थे। अगला पुरास्थल है कोल्डी हवा। यह भारत के उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का एक विकसित पुरास्थल है। यहाँ पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, जिनमें गाय, भेड़, बकरी तथा हिरण प्रमुख हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। यहाँ
चावल की खेती होने का भी प्रमाण मिला है। आइए अब बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने मानव का स्थायी जीवन की ओर रुख से इस अध्याय की शुरुआत की। प्रारंभिक गांवों की स्थापना के बारे में हमने जाना। पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ते हुए मेहरगढ़ तथा कोल्डी हवा नामक स्थानों के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।